जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह वाला पीसीबी है, ये सैमसंग के स्प्लिट एसी का पीसीबी है साथियों, नॉन इन्वर्टर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें साथियों ये वाली मोटर चलती है, ये डीसी मोटर नहीं है, ये कैपेसिटर वाली है और ये सेंसर वाली तारें हैं। तो साथियों आज हम यह मोटर लगाने भी इसमें आपको सिखाएंगे और साथ ही हम इसको ठीक भी करेंगे, कंप्रेसर को नहीं चला रहा है। तो देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की रिले होती है ये, जो कंप्रेसर को ऑन करती है नॉन इन्वर्टर एसी में साथियों। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर ये इसकी चार पिने हैं, दो पिन साथियों ये हैं जो आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, फ्यूज के साथ कनेक्ट है सिर्फ। ये आप देख सकते हैं कि फ्यूज के साथ यहाँ पर कनेक्ट है, ये फ्यूज का सिंबल इस तरह से दिखा रखा है और इस तरफ से आप देख सकते हैं ये फ्यूज लगा हुआ है इस डब्बी के अंदर। और तो इसकी साथियों ये वाली दो तारे हैं जो इसके अंदर क्वाइल होती है, क्वाइल में जब करंट जाता है, करंट फ्लो करता है तो इसमें मैग्नेट बनती है, मैग्नेट इसको इसके दोनों पॉइंटों को चिपका देती है, इन दोनों पॉइंटों को साथियों। तो इस तरह से ये यहाँ से कंडक्ट हो जाती है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वाइल चेक करेंगे कि क्वाइल ठीक है या नहीं है। तो ये साथियों हमने मल्टीमीटर अपना ओम्स पर लगा लिया है, सॉरी वोल्टेज पर लग गया था, ये हमने ओम्स पर लगा लिया अभी। तो अब ये ओम्स दिखाएगा कि कितने आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों 163.9 यानी 164 ओम आ रहे हैं। तो इसकी क्वाइल तो ओके है, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो हम साथियों इसकी वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें ये पीसीबी ऑन करना होगा। तो कंप्रेसर ऑन करने के लिए साथियों किसी भी पीसीबी का उसमें इंडोर वाली मोटर कनेक्ट होनी ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, ये कैपेसिटर वाली मोटर है, एसी वाली आप देख सकते हैं, इंडक्शन मोटर है सिंपली, इसमें कैपेसिटर लगता है। इसमें सेंसर वाली तारें होती हैं तीन, ये वाली आप देख सकते हैं सेंसर वाली तारें हैं। और यहाँ पर हमने लिख रखा है कि कौन सी तार क्या है, ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से लिख रखा है यहाँ पर। ये जो एक्स एक्स वाली तार है इस, ये साथियों इसमें ग्राउंड है, तो ये आप देख सकते हैं बीच में ग्राउंड है। और ये जो लंबी लाइन वाली तार है ये यहाँ पर वी सी सी है 5 वोल्ट, तो ये लंबी लाइन वाली तार ये है साथियों 5 वोल्ट। तो इस तरह से हम देखेंगे तो बीच में ग्राउंड हो जाएगा हमारा और ये 5 वोल्ट हो जाएगी। तो हम मोटर कनेक्ट कर देते हैं साथियों। और साथियों ये इसकी तीन तार होती हैं, जिसमें एक कॉमन होती है, एक रनिंग और स्टार्टिंग। तो ये तार साथियों यहाँ पर हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं पीसीबी में। और पीसीबी में साथियों आप देखोगे कि इसमें सेंसर की तार नहीं लगेगी, ये जो छोटा वाला होता है डिस्प्ले वाला, तो इसमें यहाँ सेंसर की तार लगेगी, यहाँ पर तो स्विंग लगेगी साथियों और यहाँ ये सेंसर की तार लगेगी। तो सेंसर की तार लगाने से पहले हमें देखना होगा कि इसमें वोल्टेज सेम है या नहीं है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से अगर हम कनेक्टर को रखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और बीच में ग्राउंड है, तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए इन वाली पिनों में साथियों, बीच में ग्राउंड और साइड में लेफ्ट साइड में 5 वोल्ट। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं जल्दी से। तो आप देखें कि इसमें एक बीप आई और यहाँ पर ये दो डंडियाँ, और इसको हम ऑन करते हैं तो AU आ रहा है, ऑटो मोड पर है। तो साथियों अब ये मोटर चल जाएगी, मोटर नहीं चलेगी, चलेगी मोटर तो ये चल गई है मोटर, लेकिन ये एरर देकर बंद हो जाएगी क्योंकि इसके सेंसर की तार तो बाहर पड़ी है। तो हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे साथियों, सबसे पहले इस कनेक्टर में कि हमारे जो वोल्टेज है वो सही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये देखें आप, एरर देकर बंद हो गई है। तो हम पहले इसमें बीच में ग्राउंड और लेफ्ट साइड में 5 वोल्ट चेक करेंगे इस वाले कनेक्टर में। तो ये आप देख सकते हैं साथियों मीटर में कि बीच में हमने ग्राउंड लगाया और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, तो यहाँ 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अब हम इसमें, तो साथियों अब हम इसमें सेंसर वाली तार लगा देते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। और सेंसर की तार लगाने के बाद में एक बार इसे ऑन ऑफ करना होगा,
तो हम इसे एक बार ही प्लग निकाल कर ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा ऑन कर दिया है और यहाँ से हम ऑन कर देते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं ऑटो मोड पर लगा हुआ है। और इस बोर्ड को हम उल्टा कर लेंगे ताकि हम इस रिले के वोल्टेज देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि मोटर चल गई है और अब हमने इसमें सेंसर कनेक्ट कर दिया है तो एरर नहीं आएगा। हमें कुछ देर वेट करना होगा इसके रिले के ऑन होने का, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो साथियों हमने 3 मिनट का वेट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर रिले पर वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस तरह के पीसीबी में आपको 3 मिनट का वेट करना होता है। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज आ गए हैं 11.13। तो साथियों लेकिन ये वोल्टेज आ तो गए हैं लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज कम है। यहाँ 12 वोल्ट से थोड़े से ज़्यादा हो तो चलेगा 2-4 पॉइंट, लेकिन 12 वोल्ट से कम होगा तो नहीं चलेगा। तो ये साथियों जब 12 से कम होंगे तो ये रिले पूरे पावर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, तो उसमें इस रिले के ख़राब होने के चांस रहेंगे। इस वाली रिले को 2003 IC से चलाया जाता है, इसमें लगी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगी हुई है, तो इस वाली IC से इसको चलाया जाता है। अगर ये नहीं चलती, वहाँ पर करंट नहीं आता, तो उसका मतलब है कि ये वाली IC ख़राब होती, फिर ये चेंज करनी पड़ती। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर हैं, ये हमारे SMPS है और ये SM ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 कैपेसिटर ये है और 1 कैपेसिटर ये है। ये वाला कैपेसिटर साथियों लगने से पहले यहाँ पर ये 3 टांग का लगा हुआ है, तो ये 7805 होगा। इस पर चेक करें तो यहाँ हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, 5 वोल्ट ठीक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कम है। और जब यह वाले 12 वोल्ट इस वाली IC पर जाएंगे, इस वाली IC पर, तो इसकी आउटपुट में वो 11 ही निकलेंगे, 1 वोल्ट ये करीब ये ड्रॉप कर देती है IC। तो साथियों यहाँ पर करीब 12.5 वोल्ट होने चाहिए कम से कम, या 13 वोल्ट भी होगा तो अच्छा है। तो हमें ये 13 वोल्ट करने होंगे, उसके बाद हम ये रिले चेंज करेंगे। तो आपने देखा इस रिले पर वोल्टेज हमें मिल रहे थे, लेकिन ये रिले कंप्रेसर को नहीं चला रही है। इसका मतलब ये रिले अंदर से इसका जो पॉइंट होता है वो स्पार्क हो गया, ख़राब हो गई है। तो ये रिले भी साथियों हम चेंज करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ वोल्टेज ठीक करेंगे। तो वोल्टेज हम ठीक कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं इसकी सप्लाई कैसी बनाई हुई है। तो अब साथियों मोटर थोड़े साइड कर देते हैं, और यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं आप, तो ये 2 रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं साथियों ऑप्टो कपलर चलाने के लिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज इसके ठीक करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगानी होगी। तो साथियों ये 2 रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे राइट हैंड में है, तो यह वाली 1K की रेजिस्टेंस है और ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इसमें साथियों जब हम इनको 12 वोल्ट में सीरीज पे लगाएंगे तो करीब 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा 100 ओम में। इसको हम पॉजिटिव पर लगाएंगे, इसको हम ग्राउंड पर लगाएंगे, तो 1 वोल्ट इस वाली रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, तो सप्लाई में हमारा 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं इसको करके क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों जिनर में से कौन सा जिनर है जो इसको चला रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऑप्टो कपलर पर ये 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये 2, तो ये वाली रेजिस्टेंस इस वाले जिनर से कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम इस वाले जिनर को साथियों एक साइड से निकाल लेते हैं। ये वाली साइड जो यहाँ पर 12 वोल्ट से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये जम्पर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर है। तो 12 वोल्ट यहाँ से इस जिनर को मिल रहे हैं, इस वाले दोनों ही जिनर को मिल रहे हैं। तो ये वाले जिनर का हमने साथियों ये वाला पॉइंट निकाल दिया है जो नेगेटिव होता है। तो हम आपको सीधा करके दिखाते हैं, ये इस तरह से हमने निकाल दिया। यहाँ साथियों हम 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये हम फालतू की इसकी लैग है जो वो काट देते हैं, और इसको साथियों हम शोल्डर कर देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, जिनर सीधा यहाँ पर कनेक्ट था, हमने सीरीज में यहाँ पर इन दोनों को सीरीज कर दिया है, रेजिस्टेंस को और जिनर को। और इसके बाद साथियों में वोल्टेज डिवाइड करने के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी 1K और 100 ओम मैंने बताई आपको। तो 1K हमें ग्राउंड पर लगानी है, तो हमें देखना होगा ग्राउंड हमें कहाँ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कैपेसिटर का ग्राउंड आ रहा है, तो यहाँ ये वाला छेद खाली है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं इसको। तो इसको लगा देते हैं हम, और इसे भी साथियों हम सोल्डर कर देते हैं सबसे पहले। और मीटर हमारा चालू रह जाता है, तो इस तरह से बीप देकर ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि जो इन दोनों के सिरे हमने जोड़े हुए हैं, डायोड सॉरी जिनर और रेजिस्टेंस, तो ये हमने जो सिरे जोड़े हुए हैं इसी सिरे पर हम इसे भी जोड़ देंगे साथियों। तो अब क्या होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइड कर लेंगी और फिर उसके बाद में जिनर को देंगी। तो हमें सिर्फ 1 वोल्ट कम करनी थी, तो वो हमारा काम हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर के जरिए। तो रेजिस्टेंस जब इस तरह से लगाई जाती है साथियों, तो यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइड करने के लिए लगाई जाती है, मतलब कहीं भी इस तरह से लगाई जाती है, तो जिस तरह से अभी हमने लगाई है। अगर हमारे पास 12 वोल्ट का जिनर होता तो हम सीधा लगा देते, इन्होंने 12 से कम वोल्ट का जिनर लगाया होगा, हमने देखा नहीं है कितने वोल्ट का है, बस हमने इस तरह से इसकी 1 वोल्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं बढ़ती है नहीं। तो हम इसको साथियों अब ऑन कर लेते हैं, ये लग गई है हमारी, हम इसको ऑन कर लेंगे और मेन आउटपुट के कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। मीटर बंद हो गए, इसको ऑन कर लेते हैं और हम साथियों अब इसकी पावर केबल लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बीप सुनी आपने, पावर इसमें आ गई है, हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे अब इस कैपेसिटर पर। तो ये आप देख सकते हैं 13.5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल गए हैं, तो 1 वोल्ट से साथियों कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन ठीक है हमारा काम चल जाएगा। ये कैपेसिटर 2 MFT का लगा रखा है, तो ये 2 टन वाला AC है और 2 टन वाले AC में लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर रिले वोल्टेज कम आएंगे तो वो बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी और रिले ख़राब होती रहेगी बार बार साथियों। तो ये वाली रिले भी अभी हमने जब ये टाके हम रिशोल्डर कर रहे हैं, तो हमने देखा कि पहले भी किसी ने रिले इसकी चेंज की हुई है, तो वोल्टेज इसमें कम थी, तो बार बार साथियों ये ख़राब हो जाएगी कुछ दिन बाद, तो इसलिए हमने इसमें वोल्टेज बढ़ा दी है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि डिसोल्डर हमने कर दी है, तो इस रिले को हम निकाल देते हैं। और ये कुछ इस तरह की रिले है और आप रिले की शक्ल देख सकते हैं कि ये ज़्यादा दिन चली नहीं है मुझे लगता है ऐसा, तो इसलिए साथियों इसके वोल्टेज मुझे चेंज करने पड़े। तो अब हम इस वाली रिले को इसमें डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं, तो ये आपको नई रिले लग रही होगी लेकिन ये नई नहीं है, ये हमने PCB से निकाली है और ये मिल जाती है साथियों 30-40 रुपये की आसानी से मिल जाती है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना मिले, तो सभी ACOs में बहुत सारे ACOs में लगी होती है, तो आसानी से इसलिए मिल जाती है।
तो आप देख सकते हैं साथियों कि हमने इसे सोल्डर भी कर दिया है। और अब हम इसे ऑन करके देखेंगे, उल्टा ही रख के ऑन करेंगे और ताकि हम इसके वोल्टेज चेक कर सकें कि अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हम इसे ऑन कर देते हैं साथियों। तो ये हमने ऑन कर दिया और ये आप देख सकते हैं ऑटो मोड पर है, अभी मोटर चल जाएगी और फिर हम इसके वोल्टेज नापेंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों मोटर चल गई है ब्लोअर वाली, और हमें करना होगा कुछ वेट इसके रिले ऑन होने का, तो हम वेट कर लेते हैं। तो साथियों आपने सुना कि टिक की आवाज़ इसमें आई, और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पर आए या नहीं आए। तो साथियों आप देख सकते हैं कि 12.5 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। तो साथियों देखा आपने कि इसमें किस तरह वोल्टेज वगैरह का फॉल्ट था और उसकी वजह से ये रिले ख़राब हो रही थी, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब वगैरह कर लें, उससे आप हमारी आने वाली नई वीडियो को जल्दी से देख पाएंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।